स्टूडेंट, पाइप और टैंकी के कुछ क्वेश्चंस हमने इसके पहले वर्क एंड टाइम में देख लिया था। ये वर्क एंड टाइम का ही एक हिस्सा होता है। पाइप और टैंकी का जो प्रोसेस वर्क एंड टाइम का होता है, वही प्रोसेस आपके पाइप और टैंकी का होता है। वहां पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे नल पाइप नल काम कर रहे होते हैं वर्कर्स की जगह पे। बाकी वही कॉन्सेप्ट होता है। वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, मतलब शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वहां पे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो काम बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी नल की पावर को बढ़ा दिया जाए तो वर्क बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा काम होने लगता है, ज्यादा पानी आएगा। और नल की पावर को कम कर दिया जाए तो पानी कम आएगा। अर्थात जो पावर होती है वर्क के समानुपाती होती है। जैसे जैसे नल की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें बहने पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अर्थात सीधे जो पावर होती है वर्क के समानुपाती होती है, और पावर जो होती है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर नल की क्षमता को दोगुना कर दिया जाए तो समय आधा हो जाता है, और नल की क्षमता को दोगुना किया जाए तो काम क्या होता है, दोगुना हो जाता है। मतलब क्षमता पे सीधा काम डिपेंड होता है, और क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती आपका टाइम डिपेंड होता है। तो इस चैप्टर में हमें यही करना है। इस चैप्टर में सीखने योग्य बात एक और है कि इस चैप्टर में वैसे जानते हैं कि दो नल, जैसे हम ये बोल दें कि दो पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भरते हैं, दो पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भरते हैं, तो एक पाइप कितने मिनट में भरेगा, 8 × 2 = 16 मिनट में। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी दो क्षमता थी नल की तो 8 मिनट लग रहे थे, तो एक क्षमता होगी तो कितना लगेगा, तो 8 × 16 मिनट लगेगा। अर्थात हमारी क्षमता जिस अनुपात में घटती है तो हमारा समय उसी अनुपात में क्या होता है, समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में है क्या, देखिएगा क्वेश्चन में बोला ये गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरी पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। ये हमारा पहला पाइप हो गया और ये हमारा दूसरा पाइप हो गया। बोला है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है, 3 गुना तेजी से भरता है। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 2 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप इस टंकी को 36 मिनट में भरते हों तो धीमा पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ये बोला गया कि धीमा पाइप भरने में कितना समय लेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम वर्क एंड टाइम में पढ़ते तो बोलते थे एक क्षमता बराबर एक आदमी। तो हम जब पाइप टंकी में पढ़ेंगे तो बस थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, जहाँ पे आदमी बोल रहे थे वहाँ नल बोलेंगे, कि यहाँ पे 3 नल हैं और यहाँ पे 1 नल है। अगर दोनों साथ खोले जाएंगे तो नल कितने हो जाएंगे, 4। तो अगर 4 पाइप किसी टंकी को, 4 नल किसी टंकी को मिलकर दोनों नल 36 मिनट में भरते हैं, तो 4 नल मिलकर अगर 36 मिनट में भरते हैं तो 1 नल कितनी देर में भरेगा, तो 1 पाइप भरेगा 36 × 144 मिनट में। एक पाइप भरेगा इसे 144 मिनट में। तो कहते हैं धीमा पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा। तो धीमे पाइप में भैया धीमा पाइप तो ये वाला था जहाँ पे 1 नल थे, तो एक पाइप बराबर 144 आ गया, तो धीमा पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा, तो 144 मिनट का लेगा। अगर ये पूछा जाता स्टूडेंट कि तेज पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा, तो एक पाइप भरता है 144 मिनट में, तो 3 पाइप भरेंगे 144/3 का मतलब सीधा सीधा काटिए ये हो जाएगा 3 × 12 = 24 आंसर आ जाता 48 मिनट में। अर्थात तेज वाला पाइप है उसे 48 मिनट में भर देगा और धीमा पाइप उसे 144 मिनट में भर देगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप और टैंकी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, तो टैंक की धारिता बताइए। कहते हैं कि 3/4 हिस्सा इसका भरा हुआ है, 3/4 हिस्सा। आप एक बात जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर पे होती है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि 4 में 3 हिस्सा भरे हुए हैं। कैपेसिटी देखी जाए तो 4 रेशियो की थी। 4 में हमारे अगर 3 हिस्सा भरे हुए हैं तो भरे कितने, हमारे 4 में 3 हिस्सा भरे हुए हैं। टंकी हमारी 4 रेशियो की, उसमें 3 रेशियो भरे हैं। अब 3 रेशियो भरे तो उसमें बोला गया है जब उसमें से 30 लीटर निकाला जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। तो 3 रेशियो भरा था वही निकाला गया, तो जैसे 3 रेशियो निकाला गया तो 3 रेशियो = 30 लीटर निकाला गया, टैंक खाली हो गया। तो 3 रेशियो = 30 लीटर, तो 1 रेशियो = 10 लीटर, तो 4 रेशियो = 40 लीटर। अर्थात टंकी की धारिता कितनी थी, तो टंकी की धारिता स्टूडेंट आ जाएगी 40 लीटर। बंद करिए।
देखते हैं स्टूडेंट पाइप और टंकी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला यह गया है कि किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे लगते हैं, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं और फिर इसका एडवांस मेथड देखते हैं। देखिए बेसिक मेथड तो ये कहता है कि अब मान लेते हैं ये भरने वाला ना लग रहे होता तो कहता है इसे 8 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन छेद अगर खाली करने वाला इसमें कंटिन्यू जारी रहे तो यही टंकी भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। ए भरेगा, ए तो भरेगा और बी खाली करेगा और इसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। इसका बेसिक देख लेते हैं। कहते हैं भरने वाला उसे 8 घंटे में भर सकता था, लेकिन ये छेद चलने की वजह से इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, अर्थात 8 में 2 घंटे भर जाते हैं। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है और टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है 40। तो भरने वाला कितना भरेगा बोलो, 8 × 40 ये भरेगा 5 लीटर, और फाइनली 10 घंटे में टंकी भरती है तो हर घंटे में कितना आता है भैया 4 लीटर, 10 × 40। हम 5 लीटर भर के भेज रहे हैं, यहाँ पे फाइनली 4 लीटर आता है, अर्थात ये हर घंटे में कितना खाली करता है 1, बी हर घंटे में 1 खाली करता है, तो 40 की टंकी कितनी देर में खाली कर देगा, 40 घंटे में खाली कर देगा, अर्थात छेद भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा, क्योंकि हर घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो ये 40 कितनी देर में निकाल देगा 40 घंटे में। ये तो हमारा स्टूडेंट बेसिक मेथड रहा। अगर इसका एडवांस मेथड देखना है तो एडवांस मेथड देखिए क्या होता है। आप लोग ये जानते होंगे कि भिन्न का जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, ओरिजिनल वैल्यू का मान होता है, तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल में टंकी 8 घंटे में भर जानी चाहिए। एक्चुअल वैल्यू हमेशा हर में होती है, 100% वैल्यू का मान हर में होता है, तो टंकी हमारी 8 घंटे में भर जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की पानी की छेद की वजह से, हम टंकी में छेद की वजह से जो 8 घंटे में भरने वाली टंकी है वो 10 घंटे में भर पाई, अर्थात छेद ने कितने घंटे काम किया है 10 घंटे काम किया है, क्योंकि जो 8 घंटे में भरना था वो 10 घंटे में भरे। तो यहाँ पे देखते हैं इसको काट के तो ये बन गया 5/4, और सॉल्व करके देखते हैं तो ये बन गया 1/4, मतलब 1/4 भाग हम लोगों ने एक्स्ट्रा भरा। एक भाग का मतलब 100% होता है, 4×9 = 4, एक भाग का मतलब 100% होता है, 100% मतलब एक भाग भरने के बाद हमने 1/4 एक्स्ट्रा भरा। तो जवाब आया कि 1/4 एक्स्ट्रा क्यों भरा, 1/4 एक्स्ट्रा इस वजह से भरा क्योंकि छेद कितनी देर चला था, 10 घंटे चला था, 10 घंटे में इसने 1/4 भाग को खाली किया था, तभी तो हमने 1/4 भाग एक्स्ट्रा भरा है, अर्थात ये 1/4 हिस्से को खाली करता है 10 घंटे में, तो छेद पूरी टंकी को खाली कर देगा 10/40 घंटे में। ये स्टूडेंट हमारा एडवांस मेथड रहा। देखते हैं स्टूडेंट पाइप और टंकी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन, ये हमारे SSC मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें बोला ये गया है कि पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटे में और पाइप बी उसे 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है कि ए उसे 2 घंटे में भर सकता है, ए उसे 2 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। तो 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो हमने मान ली टंकी की कैपेसिटी 6 है, तो 2 घंटे में अगर 6 डालता है तो हर घंटे में 3 रेशियो डालता होगा, और यहाँ पे खाली करने भैया बी उसे 6 घंटे में भर सकता है तो हर घंटे में 1 लीटर डालेगा, 6×9 = 6। नल ए को भैया 10 बजे खोला गया है, 10 AM पे खोला गया है, और नल बी को 11 AM पे खोला गया है, तो पूछा ये गया है टंकी कितने बजे भर जाएगी। एक बात स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आ रही कि जो खोल दिया गया है तब तक नहीं बंद किया गया जब तक कि टंकी भर ना जाए, तो ए 10 बजे खोला गया, बी 11 बजे खोला गया, तो ए ने तो 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया ना, यहाँ पे 11 बजे के पहले 1 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो 1 घंटे में ये कितना डालता है 3, तो भैया यहाँ पे 6 में इसने 3 डाल दिया, 11 बजने तक इसने 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो 1 घंटे में इसने 3 डाल दिया, तो 6 में 3 डाल दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 3, और घड़ी में दोनों के भैया 1 घंटे काम करवा दिया तो इनका भी 11 बज गया, इनका भी 11 बज गया। अब हमारी घड़ी में 11 बज चुका है, अब 11 बजे दोनों नल खुल जाएंगे, ए तो खुला ही था, बी भी खुल जाएगा, तो दोनों मिलके 4 लीटर डालेंगे, 1 घंटे में 4 लीटर डालेंगे, लेकिन 3 लीटर ही भरना है, तो हमें 3/4 घंटे लगेंगे, तो 3/4 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कटेगा जाके 15 और ये हो जाएगा 15 × 45, अर्थात 45 मिनट का और समय लगेगा, तो 11 बज चुका था तो 45 मिनट का और समय लगेगा, तो हमारा जवाब आ गया कि पूरी टंकी 11:45 में भर जाएगी। देखते हैं स्टूडेंट पाइप और टंकी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, LDC एग्जाम का आया क्वेश्चन है,
और उसमें पूछा गया है दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। एक नल एक्स से ये 24 मिनट में भर सकता है और एक नल वाई है उसे 32 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, वाई कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए, तो 32 और 24 का एलसीएम क्या होता है 96। ये भरेगा आपका 24 चौको 96 चार और ये भरेगा 32 तिरका 96। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, क्वेश्चन पे बोला है कि दोनों नलों को खोल दिया जाता है कितने समय बाद वाई को बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए, कितने समय बाद वाई को बंद कर दिया जाए। तो एक बात ये समझ में आ रही है, पता नहीं एक मिनट के बाद, दो मिनट के बाद, पता नहीं कितने समय बाद वाई को बंद किया गया है। अगर हमारी टंकी 18 मिनट में भरी है तो ए शुरुआत से चालू हुआ था तो ये 18 के 18 मिनट ए कंटिन्यू लगा रहा होगा, तो एक मिनट में भरता है 4 लीटर, तो 18 मिनट में ए ने कितना काम किया होगा, 18 × 72 लीटर तो यक्ष ने ही भरा होगा, क्योंकि 18 मिनट में अगर टंकी भरी है तो बोला है वाई कितने समय बाद बंद किया गया, मालूम नहीं लेकिन आपका यक्ष तो बंद ही नहीं हुआ ना, तो 18 मिनट इसने काम किया है तो 18 × 72 लीटर इसने भरा होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, रिमेनिंग वैल्यू आपकी 24 लीटर आ गई। ये जो 24 लीटर आई ये किसने भरा होगा, वाई ने, तो वाई हर मिनट में 3 लीटर डालता है, वाई हर मिनट में 3 लीटर डालता है, तो 24 लीटर कितनी देर में डाला होगा 8 मिनट में, अर्थात वाई कितनी देर चालू रहा, तो वाई ने 8 मिनट काम किया है तो वाई कितनी देर चालू रहा, तो जवाब आएगा वाई 8 मिनट चालू रहा। इसे कितने समय बाद बंद किया गया, अगर जवाब ये पूछा जाए तो 18 मिनट की प्रक्रिया में इसने केवल 8 मिनट काम किया है, तो हमारा जवाब आ चुका है कि वाई को 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया था। टंकी भरने से कितने मिनट पहले बंद किया गया था, तो 10 मिनट। अगर पूछा जाए कितने मिनट चालू रहा, तो 8 मिनट चालू रहा, 18 में अगर 8 मिनट चालू रहा तो इसे कितने मिनट पहले बंद कर दिया गया था, 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया था। अगर स्टूडेंट ये हमारे आपके बताए क्वेश्चन से के कांसेप्ट तौर तरीके आपको अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी प्रकार आगे हमसे जुड़े रहिए नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। धन्यवाद।